बसम्ल रिम्स अल्लाक वरम् वर्क डतो स्टूडेंट्स सिलेक्शन नंबर हमारा एलेवन है और इसमें हम जो है रिपल टैंक का बाकी हिस्सा कंप्लीट करेंगे तो चलिए बुक की जानी बढ़ते हैं डो स्टूडेंट्स इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिपल टैंक की जो थी बनावट थी उसके जो पार्ट्स है और किस तरह से वर्क करता है उसके अंदर किस तरह से हम वेव जो हैं प्रोड्यूस करते हैं तो उसके अलावा हमने देखा था कि उसके अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती थी वो हमारे पास स्ट्रेट होती थी और उसके अंदर जो शेडो बनता था उसमें हमारे पास जो क्रस्ट होते थे उनका ब्राइट और जो ट्रफ्स होते थे उनके डार्क जो था वो हमारे पास नीचे पैटर्न बनता था और कुछ इस तरह से हमारे पास जो थे वो वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती थी तो इसके अंदर जो आपको दिखाया था कि हमारे पास जो है वो डिफरेंस था फ्रॉम वन ट्रफ़ टू सेकेंड ट्रफ़ तो वो लेमडा का था वेव लेंस उसे कहते हैं जैसे ये देखें लेमडा से शो किया हुआ है और आपने ये भी देखा था कि हमारे पास जो ये वेव फ्रंट्स हैं उनकी डायरेक्शन देखें इस तरह से है ये देखें ये डायरेक्शन है उनकी ये वाली ठीक है और जा किधर को रहे हैं इस तरफ को जा रहे थे ऐसे इस तरह से ठीक है तो इनके दरमियान जो एंगल बना यानी कि हमारे पास वेव फ्रंट्स के दरमियान और जो इनकी जो सिमत है जो इनकी डायरेक्शन है जो इनकी जो है प्रॉपिगेशन है उसके दरमियान देखें एंगल कितने हमारे पास नाइन्टी का यानी हमारे पास वेव फ्रंट्स जो थे वो ऐसे हैं ठीक है इस तरह कह लें इस तरह से हैं और जो जा रहे हैं हमारे पास वो इस तरफ को जा रहे हैं और इनके दरमियान एंगल जो बना है हमारे पास वो नाइन्टी है तो हमारे पास जो एंगल होता है वेव फ्रंट्स के दरमियान और जो इनकी प्रोपिगेशन होती है वो एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होता है तो आज जो हम फिनिनाज डिस्कस करने जा रहे हैं वो थ्री फिनमिनाज़ हैं उनकी हम डेफिनेशन भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से ऑकर होते हैं पहला फिनमिना जो है वो है आपके पास रिफ्लेक्शन वो डिस्कस करेंगे उसके बाद जो फिनमिना है वो है आपके पास रिफ्रैक्शन वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद एंड में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन को तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले जो है वो हम रिफ्लेक्शन की जानी बढ़ते हैं तो हमने कहा था जी कि नाउ वी एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक तो वाटर वेव के अंदर जो पानी की लहरें हैं उनके अंदर जो हमारे पास रिफ्लेक्शन आती है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले हमारे पास एक क्विक क्विज है वो देख लेते हैं जी कहते कि वट डू द डार्क एंड वाइट फ्रिंगज ऑन द स्क्रीन ऑफ रिपल टैंक रिप्रजेंट ठीक है जो हमारे पास जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि हमारे पास जो ब्राइट है वो क्रस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और जो डार्क है वो ट्रफ्स को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं उसके बाद देखते हैं जी अब हम बढ़ते हैं अपना जो है रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर कहते रि प्लेस अ बैरियर इन द रिपल टैंक आपने अब क्या करना है जो रिपल टैंक के अंदर वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके सामने एक आपने बैरियर रख देना एक रुकावट रख देनी है ठीक है द वॉटर वेव विल रिफ्लैक्ट फ्राम द बैरियर तो जब आप उसके आगे जो है एक बैरियर रख देंगे तो क्या होगा वो वहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगी टकरा के जो है वो मुड़ेंगी इफ़ द बैरियर इज़ प्लेस एट एन एंगल टू द वेव फ्रंट तो जो हमारे पास वेव बन रही थी स्ट्रेट प्लेन वेव जो हमारे पास बन रही थी सीधी सीधी चूँकि हमारे पास जो वुडन का आ, पीस था वो जब नीचे जाके बार बार इस तरह लगता था ये वाला तो हमारे पास देखें स्ट्रेट जो है वो वेव फ्रंट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था क्योंकि हमारे पास उसकी चौड़ाई थी और जब वो इस तरह नीचे ऊपर होता था वाइब्रेट करता था तो हमारे पास वेव फ्रंट्स पैदा होते थे जो कि हमारे पास किस तरफ़ बढ़ते थे पर पेंडिकुलरली बढ़ते थे आगे को तो अब जो था हमारे पास उसने क्या कहा कि जब अगर हम इसके सामने को इस रख दें ऑब्सटेकल रख दें तो फिर क्या होगा हमारे पास ये रिफ्लेक्ट होगी वेव और फिर जी द एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव अलॉन्ग द नॉर्मल विल भी इक्वल टू द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव ठीक है जी तो हमारे पास जो इसका एंगल होगा वो क्या होते है? हमारे होता है हमारे पास इक्वल होता है थर्स वी डिफेंड एज तो पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं वेन वेव मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ एन अदर मीडियम कहते हैं कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाके वो टकराती है दे बाउंस बैक तो वो वापस मुड़ती है इन टू द फर्स्ट मीडियम दोबारा से उसी मीडियम के अंदर वापस आती है सर्च दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो जितने एंगल से जाके उस ऑब्स्टेकल के साथ लगती है उतने ही एंगल से क्या करती है मुड़ जाती है अब अगर हम उसका एंगल चेंज कर देंगे ऑब्स्टेकल का जो हमने उसके दरम्यान बैरियर रखा है तो उसका जो है पैटर्न भी हमारे पास चेंज हो जाएगा तो ये देखें पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि आपके पास क्या थी जनाब ये आपके पास वेव्स थी ये देखें आपके पास वेव फ्रंट्स हैं ठीक है ये वाले और हुआ क्या है ये जाके देखें लग रहे हैं हमारे पास ये वाला जो आपको ब्लैक नज़र आ रही है लाइन ये आपके पास क्या है है ठीक है जी तो आपके पास ये इंसिडेंट वेव थी और ये आई देखें आपको शो करवा रहा है कि ये जाके यहाँ पे लगी और नीचे बी जो है आपके पास वो आपको बताएगा कि हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो किस तरफ को मुड़ेगी नीचे की जानब आपको मुड़ता दिखाई दे रहा है ठीक है जी तो जितना हमारे पास वो कह रहा है कि आई था ये देखें ये आपके पास था जो है बैरियर है और ये बैरियर का ये जो छोटी सी लाइन दिखा रही है ये बैरियर का क्या है नॉर्मल ऑफ है बैरियर के ऊपर क्या है पर पेंडिकुलर है ठीक है तो जितना एंगल ये देखें यहाँ पर बन रहा है हमारे पास आई का हम इसको जूम करके दिखा देता हूँ ये देखें जितना एंगल ये बन रहा है हम आपके पास इसको जितना आप मैयर कर लेंगे ना इस एंगल को उतना ही एंगल आपका कौन सा बनेगा जी ये वाला एंगल बनेगा ये आर वाला ठीक है तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जितनी हमारे पास इस तरह से लगेगी तो उतना ही वो क्या हो जाएगी हमारे पास बाउंस बैक हो जाएगी देखें हुआ क्या जी कि देखें हमारे पास पहले जो थी वेव इस तरह से नज़र आ रही होगी ऊपर जो है आपको वेव फ्रंट जो है वो किस तरह से नज़र आ रहे हैं ये देखें इस तरह से वेव फ्रंट हैं ये जा रहे हैं ये देखें ये ऐसे है ऐसे है ये और ये और जब वहाँ पे टकराए तो किस तरह से हो गए ऐसे हो गए इस तरह इस तरह इस तरह नीचे वाली पिक्चर में आपको जो है वो देखें नज़र आ रहा है ऊपर वाली पिक्चर में जो है हमारे पास ब्लैक लाइंस ऐसे लगी हुई हैं ठीक है थीके? और नीचे वाली पिक्चर में आपको किस तरह नज़र आ रही हैं इस तरह से तो क्या हुआ उसने अपनी जो डायरेक्शन थी वो चेंज कर ली तो जब वो टकराई तो उसके अंदर ही फिर दोबारा से क्या हुई वापस मुड़ी तो इस सारे फिनिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन कि हमारे पास देखें ये वेव थी इस तरह से अगर हम इसको इधर करना चाहें तो फ़र्ज़ करें ये देखें ज़रा अगर मैं बताऊँ आपको कि ये हमारे पास जी आ, था ये देखें जी ये हमारे पास आया ऑप्सटेकल ठीक ये एक वेव मैं दिखा रहा हूँ दस आपको एक वेव यहाँ पे गई इसके साथ टकराई और इसके साथ टकराने के बाद इधर को क्या कर गई मुड़ गई तो ये सारी चीज़ आपको पहली पिक्चर में दिखाया गया है कि एक वेव जा रही है ऊपर को चार वेव्स दिखाई हैं ठीक है फ़ोर जो है वो आपको वेव्स नहीं बल्कि फोर्स के जो है वो फोर कस्ट और फोर ट्रफ्स जो है वो आपको शो करवाए हैं तो फोर कस्ट फोर ट्रफ्स गए और टकराने के बाद किधर को मुड़ गए सारे इस तरफ को मुड़ गए तो ये आपकी क्या हो गई रिफ्लेक्शन हो गई और इसके अंदर आपको बताया है कि ऊपर जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जब जाके टकराए और फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब वो मुड़ गए और ये जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई है ये क्या है बैरियर है तो जी उम्मीद है आपको ये वाला रिफ्लेक्शन जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी अब हमारे पास है नेक्स्ट रिफ्रैक्शन उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो अब फिर दोबारा से डेफिनेशन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं जो हमने रिफ्लेक्शन को इतना डिस्कस किया है ताकि दोबारा समझ आती कह रहा है कि वन वे मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ अदर मीडियम तो हमारे पास मीडियम पानी एक और मीडियम था और जो हमने बैरियर रखा है वो और तरह का मीडियम है वो हमारे पास सख्त होगा कोई शीशा हो सकता है ठीक है तो वो मीडियम चेंज हो गया ना पानी और शीशे में फ़र्क है दोनों मीडियम्स में तो पहले मीडियम से जब दूसरे मीडियम में गई तो फिर क्या हुआ उसके साथ टकराई और फिर दोबारा से बाउंस बैक हुई दोबारा वापस मुड़ी जिस तरह आप गेंद दीवार पर मारे हो वापस मुड़ती है तो इस तरह वेव भी उसके साथ टकरा के मुड़ी और किस तरह से मुड़ी फर्स्ट मीडियम में सच दैट द एंगल ऑफ इंसीडेंस इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ठीक है अब हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास ये इधर से जा रहे हैं हम आगे को नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव कह रहे जी द स्पीड ऑफ अ वेव इन वाटर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर कह रहे कि जो हमारे पास आ, वेव की स्पीड होती है वाटर के अंदर वो डिपेंड करती है कि पानी कितना गहरा है इफ़ अ ब्लॉक इज सब मर्ड इन द रिपल टैंक कहते हैं कि जो हमने ब्लॉक रखा है लकड़ी का वो सब मर्ड है डूबा हुआ है द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक विल बी शेलवर ओवर द ब्लॉक दैन एल्जवेयर देखिए हमारे पास गहराई है ना अगर हमारे पास गहराई है शेलोवर का मतलब होता है गहरा होना ठीक अगर आपके पास एक नहर है नहर के अंदर आप जनाब रख देते हैं एक बहुत बड़ा सारा बॉक्स रख देते हैं काफ़ी बड़ा सारा इतना बड़ा कि जो नहर के ऊपर ना वो जो अब आप उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर खड़े हों तो सिर्फ़ आपके जो है घुटने घुटने तक पानी है और अब वहाँ पर खड़े हो जाएँ और आप पूरी नहर के अंदर जाएंगे तो वहाँ तो आप डूब जाएंगे तो एक पूरा बहुत बड़ा लकड़ी का बॉक्स अगर हम रख दें तो फिर क्या होगा जो लकड़ी के बॉक्स के ऊपर अगर आप खड़े होंगे और आपके घुटने तक पानी आएगा तो फिर वहाँ क्या होगा कम गहरा होगा जिस तरह अगर आप स्विमिंग पूल्स में कभी गए हों तो देखा होगा आपने स्विमिंग पूल में बच्चों के लिए पानी सबका एक जैसा लेवल होता है लेकिन बच्चों के लिए एक साइड अलग से होती है उसमें क्या होता है उन्होंने ऊपर जो है ऊंचाई रखी होती है नीचे से कम गहरा होता है ठीक है स्टेप बनाए होते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कम गहरा होगा फिर जैसे जैसे बड़ों के लिए आगे को जाते जाएंगे तो वो जो है हमारे पास स्टेप्स बने होते हैं नीचे जो है हमारे पास फर्श होता है उसके बैरल वो तो बताने क्योंकि आपको कोशिश ये कर रहा है कि जहाँ पर आपका वो आ, होगा ब्लॉक होगा लकड़ी का उसके ऊपर जो है पानी की गहराई जो होगी वो कम होगी ठीक है वैन वाटर वेव्स इंटर द रिवीजन ऑफ शैलवर वाटर देअर वेव लैंड तो कहता है कि जब हमारे पास वाटर वेव जो है वो कम गहरे पानी के अंदर जाती है तो उसकी वाट जो वेव लेंथ होती है वेव लेंथ क्या थी हमारे पास ये देखें वेव लेंथ हमारे पास एक ट्रफ से एक दूसरे ट्रफ तक या फिर एक कस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस है ये वेव लेंथ ठीक है तो अब ये क्या होगा इनके दरमियान जो है फासला क्या हो जाएगा वेव लेंथ जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी जी डिक्रीज हो जाएगी कम हो जाएगी कब जब ये कम गहरे पानी के अंदर मूव करेगी बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ़ वाटर वेव रिमेन द सेम तो वेव लेंथ तो चेंज हो जाएगी लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या रहेगी सेम रहेगी अब फ्रीक्वेंसी क्यों सेम रहेगी क्योंकि हमारे पास जो वाइब्रेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी चूँकि सेम होगी इन बोथ पार्ट्स ऑफ वाटर बिकॉज क्योंकि इट इज़ इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर सेकेंड क्योंकि हमारे पास जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास वाइब्रेटर की उतनी फ्रीक्वेंसी ही उसकी वेव की होगी सेम होगी ठीक है लेकिन हमारे पास जो है वो लेमडा चेंज हो जाएगा अब आपने देखें पीछे अभी इक्वेशन डिस्कस की थी वी इज़ इक्ल टू एफ़ लेमडा ठीक है पढ़ी थी ना अब देखिए इसमें एफ़ क्या हो गया आपके पास उसने कहा कि इसने कॉन्सटेंट रहना है इसने चेंज उन्ज नहीं होना ठीक अब जो इक्वेशन है अब अगर हमारे पास लेमडा कम होगा मैं नीचे को निशान लगा रहा हूँ कि लेमडा हमारे पास हुआ डिक्रीज तो फिर इक्वेशन है चूँकि दोनों साइडें बराबर रहती हैं तो इट मीन्स कि वी भी क्या हो जाएगा आपके पास डिक्रीज वी फार क्या है विलासटी लौस, है ठीक है किसकी स्पीड है हमारे पास ये वेव की स्पीड है तो जब हमारे पास लेमडा कम होगा यानी उसकी वेव लेंथ कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी तो ये देखें उसने यही आपको बताया है कि आपके पास क्या था जी आपके पास नीचे से अगर हम देखना शुरू करें तो क्या है नीचे आपके पास डीप वाटर है गहरा पानी है और उसमें क्या है फास्टर स्पीड है और उसमें आपको नज़र आ रहा होगा लेमडा वन ये जो है आपको जूम करके दिखाएते हैं ये देखें ये लेमडा वन नज़र आ रहा है आपको और इसमें उसने दिखाया कि इतना चौड़ा है और फिर वी वन दिखाया आपको कि इसकी लेमडा वन जब वेव थी तो हमारे पास स्पीड इतनी थी और उसके बाद जो है वो आपको बता रहा है कि हमारे पास स्ट्रेट वेव्स जनरेटर है ये वाला उसके बाद क्या हुआ हमारे पास जब ये मूव करती करती वेव शेलो वाटर में गई अब शैलो वाटर क्या होगा कम गहरे पानी में जब कम गहरे पानी में गई तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ लिखा हुआ है स्लो स्पीड कि हमारे पास स्पीड क्या हो गई इसकी कम हो गई जब स्पीड कम हुई तो साथ में क्यों कम हुई वेव लेंथ भी कम हो गई आपको जो नीचे लाइन् नज़र आ रही हैं ये वाली इनके अंदर आपको जो है वो ज़्यादा खुली लाइन् नज़र आ रही हैं और ऊपर आपको जो है वो कम खुली नज़र लाइन्स आ रही हैं कम खुली नजर लाइन आने का मतलब ये है कि इनकी जो वेव लेंथ है जो इनका एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का या एक कस्ट से दूसरे कस्ट तक का जो फासला है वो आपके पास क्या है कम है तो इसे बोलते हैं वेवलेंथ तो क्या हुआ जी वेवलेंथ कम तो स्लो स्पीड वेवलेंथ ज़्यादा तो स्पीड भी ज्यादा होगी तो अब जो है इसको मजीद पढ़ते हैं फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव वी रिपीट द अबव एक्सपेरिमेंट सर्च दैट द बाउंड्री बिटवीन डीप एंड दैलो वाटर इज़ एट समल दैट वेफरंट कह रहा है कि हम जो है इसको मज़ीद डिस्कस किया तो हमने क्या किया किसी एंगल सम एंगल बना दिया कि इसके दरमियान हमारे पास जो गहरा पानी था और जो कम गहरा पानी था उसके अंदर एक हमने जो है वो एंगल भी बना लिया अब क्या हुआ जिस तरह के टेन पॉइंट फिफ्टीन के अंदर आपको दिखा रहा है वो देखें जी ये है तो इसके अंदर क्या हुआ जनाब ये ऊपर जो है आपको कम गहरा पानी है ऊपर जो है ऊपर क्या है गहरा मैं इधर उर्दू में लिख रहा हूं गहरा ठीक और नीचे जो है आपके पास है कम गहरा तो जी नीचे कम गहरा पानी है ऊपर जो है वो गहरा पानी है तो नीचे क्या हुआ जब गहरे पानी में से देखें आपको खुली खुली नज़र लाइन आ रही है उनके दरम्यान वेवलेंथ जो है फ़ासला ज़्यादा है तो उधर से जब हमारे पास कम गहरे पानी में आई तो क्या हुआ उनका जो है वो एंगल भी चेंज हो गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ़ रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा वो इक्वल होते हैं और उनकी क्या हुई वेव हमारे पास डिक्रीज हो गई कम हो गई और आपको ये जो लाइन ये वाली लाइन है ये आपको नज़र आ रही है इसमें वो दिखा रहा है आपको ये वाली जो लाइन है एंग हमारे पास जो इसकी प्रोपिगेशन है वो क्या है इस तरफ को जाएगी और इनके दरमियान एंगल कितना होगा 90 का यानी नॉर्मल होगा आपस में 90 को नॉर्मल भी बोलते हैं तो यानी परपेंडिकुलर होगा तो अब कह रहे जी नाउ वी विल ऑब्जर्व दैट इन एडिशन टू द चेंज इन वेव हमारे पास वेव चेंज हुई हमारे पास गहरे पानी में वेव ज़्यादा थी और कम गहरे पानी में देखें वेव हमारे पास कम हो गई है और जो हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ है वो करीब करीब हो गए हैं और साथ साथ क्या हुआ कहता है हमारे पास एक तो वेवलाइन चेंज हो गई दैट वेव्स चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन एज वेल देखें और फिर हमारे पास डायरेक्शन भी चेंज हो गई पहले सीधी सीधी आ रही थी ये देखें ऐसे इधर को आ रही थी अब क्या हुई ऐसे आने की बजाय वो थोड़ी सी मुड़ गई हैं तो इसकी क्या हो गई हमारे पास जो आगे बढ़ने की उनकी डायरेक्शन थी प्रोपिगेशन थी वो भी क्या हो गई हमारे पास चेंज हो गई है नोट दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन इज ऑलवेज नॉर्मल टू वेव फ्रंट तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं दो मरतबह ऐसी लेक्चर में कि हमारे पास जो इनकी प्रॉपिगेशन होती है जो आगे को बढ़ती हैं हमेशा ऑलवेज नॉर्मल होती है नॉर्मल का मतलब कि जो इनके हमारे पास वेव फ्रंट्स होती हैं वो अगर इस तरह से हैं हमारे पास तो जो इनकी बढ़ने की है वो किस तरफ को बढ़ेंगे इस तरफ को बढ़ेंगे तो इनके दरम्यान एंगल कितना होगा 90 का होगा अच्छा जी उसके बाद है जी दिस चेंज ऑफ पाथ ऑफ वाटर वेव्स वाइल पासिंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ डीप वाटर टू द शलोअर वाटर वन इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन विच इज़ डिफाइंड एज तो हमारा जो समराइज करें सारे इसको इस पार्ट को तो हमारे पास क्या हमने डिस्कस किया कि हमारे पास ऐसा अमल जिसके अंदर हमारे पास जो है वो वेव डीप वाटर से शेलोअर वाटर में जाती है यानी गहरे पानी से कम गहरे पानी में जाती है तो इस अमल को क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन कहते हैं जिसकी डेफिनेशन अब हम पढ़ने जा रहे हैं कहते हैं जी अ अवे फ्रॉम वन मीडियम इनटू द सेकेंड मीडियम एट सम एंगल इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंजेस। कहते हैं कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फिर क्या होगी तो उसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास चेंज होगी जिसे हम क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन बोलते हैं ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ हमने तीन टॉपिक जो थे इसमें लेक्चर में, में डिस्कस करने थे रिफ्लेक्शन पहले हमने किया उसके बाद रिफ्रैक्शन किया और अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास डिफ्रैक्शन कह रहे जी नाउ वी ऑब्जर्व दैट फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेवस जनरेट स्ट्रेट वेव इन रिपल टैंक एंड प्लेस टू ऑबैकल इन लाइन इन सच अवे दैट सेन बिटवीन दैम इज़ इक्वल टू देव लेंथ ऑफ वाटर वेव कहते हैं कि आपने अब दो जो हैं ऑप्शाकल दो जो हैं बैरियर रखने हैं और इस तरह से रखने हैं कि उनके दरमियान जो फासला हो जो आपको मैं इधर दिखाने जा रहा हूँ कि ये फासला है ठीक है ये देखें दो ऑप्शाइकल ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं आपको और इनके दरमियान ये जो है ये इन दोनों के दरमियान फ़ासला है ठीक और फासला कहता है कितना होना चाहिए हमारे पास कितना होना चाहिए जी बिटवीन दैम इज इक्वल टू द वेव लेंथ ऑफ वाटर जितनी हमारे पास वेव लेंथ है वाटर की वाटर की वेव लेंथ हमारे पास कितनी है जी वाटर की वेव लेंथ ये है हमारे पास ये लेमडा जी ये ले है यानी इधर से लेकर इधर तक ठीक और ये जो आपके पास फासला है ये ये वाला फासला और ये जो इनके दरम्या ये फासला है ये क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए जब इक्वल होगा तो फिर क्या होगा जी हमारे पास देखें ये बैंड हो रही हैं आफ्टर पासिंग थ्रू अ स्मॉल स्लिट बिटवीन द टू ऑफ सैकल द वे विल स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन एंड चेंज इन टू ऑलमोस्ट सेमी सर्कुलर पाथ सेमी सर्कुलर सेमी कहते हैं आधे को यानी आधा सर्कल जो है उस तरह का पैटर्न हमें नजर आ रहा है देख रहे होंगे आपके जब यहां से गुजरी इस पैटर्न से तो हमारे पास क्या हुआ वो सेमी सर्कुलर पार्ट में वो जो है वो डिवाइड हो गई है ठीक है जी उसके बाद क्या हुआ डिफ्रेक्शन ऑफ वेव्स कैन ओनली बी ऑब्जर्व क्लियरली इफ द साइज ऑफ द ऑब्साइकल इज कम्पेयरेबल विद द ऑफ द वेव जो है कहता है कि हमारे पास अगर ऑबस्टैकल हमने इस तरह रखें कि जो उनके दरमियान डिस्टेंस है वो हमारे पास वेव लेंथ यानी जो वेव लेंथ है उसके कंपेयरेबल होना चाहिए अगर वो हमारे पास फासला ज्यादा हो गया तो फिर हम सेमी सर्कुलर पैटर्न ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या हुआ जी जिस तरह के उसने कहा है कि टेन पॉइंट में अब हम दिखा रहे हैं कि अगर हम फासला को क्या कर दें बढ़ा दें फिगर टेन पॉइंट सेवनटीन शोज दैट डिफ्रैक्शन ऑफ वेव वाइल पासिंग थ्रू अ स्लिट विच साइज लार्जर देन द वेव लेंथ ऑफ वेव अब हमारे पास क्या हुआ देखें उस हमारे पास जो था फासला वेव का वो तो था इतना कितना था जी ये था हमारे पास फासला इतना सा और हुआ कि हमने इससे ज्यादा जो है वो उनके दरमियान फासला कर दिया देखें ये फासला कितना ज्यादा है तो फिर क्या हुआ हमारे पास सेमी सर्कुलर पैटर्न अब नहीं बन पा रहा तो अब जो है इसमें क्या हुआ डिफ्रेक्शन ऑफ वाटर वेव्स थ्रू अ लार्ज स्लिट तो जब हमने लार्ज स्लिट कर दी तो इस तरह का पैटर्न बना और डिफ्रेक्शन ऑफ वाटर वेव थ्रू अ स्मॉल स्लिट स्मॉल स्लिट पे हमारे पास सेमी सर्कुलर बन रहा था पार्ट उसके बाद क्या है जी हमारे पास Uh, only small डिफ्रैक्शन occurs near the corner of obstacle तो कहते हैं बहुत small किस्म की डिफ्रैक्शन होगी जहाँ small type की वो मुड़ेगी वेब और वो भी obstacle के करीब करीब ये देखें यहाँ पर आपको जो है वो खम नज़र आ रहे होंगे इस जगह पे इस जगह पे हल्के हल्के बस खम नज़र आ रहे हैं कहाँ पर ऑबस्टैकल के करीब करके तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसके बाद आपको फिजिक्स लैब में लेके जाते हैं और वहाँ पर आपको ये जो डिफ्रैक्शन का फिनोमिना है उसका प्रैक्टिकल भी करवाते हैं कि किस तरह हमारे पास उनका फासला बढ़ाने से सेमी सर्कुलर से हमारे पास से, जो है वो प्लेन की तरफ तकरीबन तो जो है वेव चली जाती है तो जिसकी डेफिनेशन में है हमारे पास द बैंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड द शार्प एज और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल स्लेट्स कॉल्ड डिफ्रैक्शन कहता है कि यहाँ तो हमारे पास बैंडिंग होती है मुड़ जाती हैं और यहाँ फिर क्या होती हैं फैल जाती हैं ऑफ वेव अराउंड द शार्प एडीज़ जो हमारे पास ऑब्सटेक्ट रखे होते हैं जो उसके तेज से कोने होते हैं उनकी तरफ मुड़ जाती हैं या उनके उनकी तरफ जो है वो फैल जाती हैं तो क्या कहलाता है ये फिनोमिना कहलाता है हमारे पास डिफ्रैक्शन तो चलिए जी ये हमारे पास थ्री डेफिनेशन थी जो कि आपने राइट करनी है और रिपल टैंक को अच्छे तरीके से करना है इसके ऊपर नोट भी आ सकता है तो आपने ये जो है थ्री डेफिनेशन और तो जो कल वाला लेक्चर पढ़ा ये सारा आप उसके अंदर लिखेंगे और हो सके तो पिक्स भी आप जो है वो ये विली बनाएंगे ये विली पिक्स भी आप बनाएंगे जी ये भी बनाएंगे और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसके बाद आप ये दोनों पिक्स भी बनाएंगे और ये भी बना सकते हैं ये ठीक है जी इसमें ये है कि आप लाइंस बेशक थोड़ी लगा लें जहाँ पे इधर आप तीन तीन चार चार लाइंस लगा लें इधर इस सिर्फ थ्री लाइन्स लगाएंगे इधर भी आप थ्री फोर लाइंस शो करवा दें ठीक है तो ये था जी आज का हमारा काम और अब हम चलते हैं फिजिक्स लैब में ले जी हम फिजिक्स लैब के अंदर आ चुके हैं तो ये देखिए हमारे पास एक तरफ जो है वो वाटर जनरेटर है और जो कि हमारे पास जो है प्लेन वेव फ्रंट जो है प्रोड्यूस करेगा तो चलिए जी इसको स्टार्ट करते हैं ले जी देखिए हमारे पास जो है वो प्लेन वेव फ्रंट्स जो है वो बनने शुरू हो गए अब इसमें क्या हुआ कि हमारे पास स्लिट के अंदर जो फासला है वो थोड़ा सा ज़्यादा है अगर हम इसे और थोड़ा सा कम कर दें तो तकरीबन जो है वो इक्वल हो सकता है ठीक है जी स्लिट वर्थ को हम क्या कर देते हैं थोड़ा सा कम कर दें ये देखें जी जैसे ही किया तो उसमें आप देख रहे होंगे कि जिस तरह जिस तरह वेव गुजर रही है तो हमारे पास जो है वो सेमी सर्कल्स आपको बनते नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह हमारे पास वेव गुजर रही है तो सेमी सर्कल्स बनते नज़र आ रहे हैं ये देखें मुड़ रही है ठीक है जी इसको मैं फिर दोबारा नॉर्मल स्पीड कर देता हूँ और उसके बाद अगर हम क्या करें इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ा दें तो मैं इसके दरमियान जो है वो डिस्टेंस बढ़ाने लगाऊँ ये देखें जी अब जैसे ही डिस्टेंस बढ़ाया तो जो इसका सेमी सर्कुलर पैटर्न था वो डिस्टर्ब हो गया जिस तरह हमारे पास देखें ना पहले था हमारे पास जितनी जितनी करीब थी तो देखें कितनी गोलाई में ये पैटर्न बन रहा है बिल्कुल गोल गोल था ठीक है सेमी सर्कल हाफ सर्कल बन रहा है ठीक है लेकिन जिस तरह ही हमने क्या किया इसको स्लिट्स के दरमियान जो था हमारे पास अब उसको डिस्टेंस को थोड़ा सा ज़्यादा किया तो वैसे ही हमारा सेमी सर्कल जो पैटर्न था वो देखें चेंज हुआ और बैंडिंग जो थी सिर्फ उसकी जानबी बढ़ गई तो इस तरह से जी हमारा होता है जिस तरह भी आपको कौन सी पिक्चर्स का ये हमारे पास सिमुलेशन थी आपको बुक पे लेके जाके दिखाते हैं और उसके बाद लेक्चर एंड करते हैं जी लेकिन जी अभी हमने जो सिमुलेशन देखी है वो इसकी थी पहले जब हमारे पास स्लिट्स के दरमियान डिफरेंस जो था वो कम था तो हमारे पास सेमी सर्कल बनते थे प्योर और जब जैसे ही हम थोड़ा सा फासला बढ़ाते थे तो हमारे पास सेमी सर्कल की बजाय कुछ इस तरह का पैटर्न जो था वो शो होता था तो आज के लेक्चर में इतने जी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दो ध्यान रखिएगा अल्लाह हाफिज अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व